हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग एमटीपी नवंबर 2019 का एक क्वेश्चन लेंगे। ये है तो पार्टनरशिप, लेकिन ना ये एडमिशन है, ना रिटायरमेंट है, ना ही डेथ है। ये है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लास 12th में भी था हम लोग के पास, जिसमें ओल्ड रेशियो दिया रहता था। एबीसी पार्टनर होते थे, ओल्ड रेशियो दिया हुआ होता था। उसके बाद फिर पार्टनर्स आपस में डिसाइड करते थे कि वो अब इस न्यू रेशियो में बांटेंगे। याद आ रहा है कुछ? उसी का एक क्वेश्चन दिया हुआ है पार्टनरशिप में, उसी को हम लोग आज सॉल्व करेंगे एमटीपी। सवाल सुनना क्या है, ये सवाल कब पूछा गया है? नवंबर 2019 में एमटीपी में। एबीसी पार्टनर है एक फर्म में जिनका ओल्ड रेशियो है 853। देयर बैलेंस शीट एज एट 31st of December 2018 वेयर एज फॉलो। उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसके क्रेडिट साइड लाइबिलिटी साइड में है क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, पार्टनर लोन, पार्टनर कैपिटल, एसेट साइड में है कैश, बिल्स रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक, फिक्स एसेट्स। टोटल है 5,50,000 बैलेंस शीट का। फ्रॉम 1st January 2019 दे एग्रीड टू अल्टर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज 565। पुराना रेशियो 853, न्यू रेशियो 565। मतलब ये एडमिशन या रिटायरमेंट नहीं हो रहा, ये रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो रहा है। उसमें सिर्फ रेशियो बदल रहा और कुछ नहीं। इट इज ऑल्सो डिसाइडेड दैट फिक्स एसेट शुड बी वैल्यूड 3,51,000। फिक्स एसेट्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3,31,000। सॉरी, पहले बैलेंस शीट में कितना था? 2,80,000, अब हो जाएगा 3,31,000। तो सर एसेट्स बढ़ रहे हैं। बोले ठीक, सन्ड्री डेटर के ऊपर प्रोविजन बनाना है 5% का। गुडविल ऑफ दी फर्म एट दिस डेट बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ दी एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ दी लास्ट 5 ईयर बिफोर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम। बोल रहा है गुडविल कैसे निकाला जाएगा? 3 ईयर परचेज लेना है और एवरेज प्रॉफिट लेना है 5 ईयर्स का। एक कंडीशन डाल दिया है, बिफोर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम। मतलब एवरेज प्रॉफिट में जो प्रॉफिट 5 साल का लेना है, वो प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? बिफोर इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज। मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम घटाने से पहले जो प्रॉफिट होता, वो प्रॉफिट लेना है हम लोग को। बोले ठीक, लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 14,000, 17,000, 20,000, 22,000, 27,000। ये क्या है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट तो तब निकलता है जब सारा खर्चा घट जाता है। हम बोले हाँ, तो सर इंश्योरेंस प्रीमियम को आपको वापस जोड़ना पड़ेगा, तब हम लोग के जो क्वेश्चन में प्रॉफिट चाहिए वो प्रॉफिट निकलेगा। हम बोले हाँ, एवरेज प्रॉफिट जो हम लोग को लेना है वो नेट प्रॉफिट का नहीं लेना है, वो उस नेट प्रॉफिट का लेना है जिसमें इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस ना हुआ हो, बिफोर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम। जबकि क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो क्या है? हम बोले सर ये वो नेट प्रॉफिट है जिसमें इंश्योरेंस प्रीमियम घट चुका है आफ्टर चार्जिंग। तो आफ्टर को बिफोर कैसे करेंगे? सर खर्चा को वापस एड कर दीजिएगा तो वो आफ्टर से बिफोर हो जाएगा। हम बोले हाँ। फिर लिखा है गुडविल एंड दी सरेंडर वैल्यू ऑफ दी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी वॉज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। बोल रहा है गुडविल और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को बुक्स में दिखाना नहीं है। तो हम बोल रहे सर गुडविल को नहीं दिखाना है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को भी नहीं दिखाना है, कैसे करेंगे? हम बोले याद करो क्लास 12th, और ऐसे भी हम सिखाए हुए, अगर नहीं दिखाना है तो उसका नाम मत लिखना। क्या करेंगे? जो पार्टनर गेन करेगा उसको डेबिट कर देंगे, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको क्रेडिट कर देंगे, और उसके गेन और सेक्रीफाइस के बराबर सरेंडर वैल्यू और गुडविल का जो पैसा निकलेगा उन दोनों का हिस्सा उनको दे दिया जाएगा। बात समझते हैं मेरा? सर एक बात बताइए, सरेंडर वैल्यू दिया हुआ है 78,000, सरेंडर करेंगे तो कैश मिलेगा ना? हम बोले सरेंडर थोड़ी करेंगे, ना कोई पार्टनर मरा है, ना ही कोई पार्टनर का एडमिशन हुआ है, बस हिस्सेदारी बदल रहे हैं। मेरा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ए बी सी, हम लोग 3 लोग एक पॉलिसी लेके बैठे हुए हैं, ठीक। पॉलिसी का वैल्यू हर साल प्रीमियम भर रहे हैं। अब हम लोग बोल रहे हैं कि आगे चल करके हम लोग अपना रेशियो बदल लेंगे, तो रेशियो के बदलने से क्या होगा? पुराना रेशियो जो था 853, अगर हम उसी रेशियो को मेंटेन रखते तो जब भी मेरा पॉलिसी मेच्योर होता हमको 853 के हिसाब से पॉलिसी का पैसा मिलता। हम बोले हाँ। अब हम रेशियो जब बदल के 565 कर देंगे तो आगे चल के जो पैसा मिलेगा वो 565 से मिलेगा। तो सवाल उठता है कि सर शुरू में जब पॉलिसी लिए थे तो 853 का रेशियो था तब लिए थे, तो पॉलिसी जब मिलेगा तो उसी में मिलना चाहिए,
हम बोल रहे हैं उसी चीज को तो ठीक कर रहे हैं। जब हम अपना रेशियो 5:6:5 में करेंगे तो ऑफकोर्स किसी पार्टनर को फायदा हो जाएगा, किसी पार्टनर को नुकसान हो जाएगा। तो जो फायदा नुकसान होने वाला है उसी के फायदे नुकसान के बराबर का पैसा कोई एक पार्टनर अपने पॉकेट से किसी दूसरे पार्टनर के पॉकेट में डालेगा। उससे होगा ये कि फ्यूचर में जब सरेंडर वैल्यू किया जाएगा, जब सरेंडर किया जाएगा तो उस सरेंडर वैल्यू का जो पैसा हमको मिलेगा वो तो अब 5:6:5 में बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हम बोले डरने का बात नहीं है, जिसको जितना लॉस हो रहा था जब हम लोग गेन सेक्रीफाइस में उस पैसे को ले लेंगे तो किसी भी पार्टनर को ना कोई गेन होता है ना ही कोई लॉस होता है। यही तो अच्छा चीज है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो लोग सीखे होते हैं क्लास 12th में, कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है तो हम लोग गेनिंग पार्टनर से पैसा लेते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पैसा दे देते हैं ताकि फ्यूचर का लॉस हो ही ना पार्टनर को। बात समझ रहे हैं? ये बात हम लोग कहां सीखे होते हैं? क्लास 12th में। बात ठीक, चलिए करना क्या है वो पढ़े। बोल रहा है जर्नल एंट्री कीजिए कैपिटल टू एडजस्ट द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स एंड प्रिपेयर द रिवाइज बैलेंस शीट। जर्नल एंट्री करना है और बैलेंस शीट बना के दिखा देना है। हम बोले ठीक, क्या कोई वर्किंग होगा? हम बोले हाँ, एक कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल निकालना होगा, एक वर्किंग। दूसरा वर्किंग क्या करना होगा हम लोग को? हम बोले सर वो एंट्री कर लेंगे गेन सेक्रीफाइस वाला। हम बोले हाँ, फिर से याद दिला रहे हैं दोस्त, सरेंडर वैल्यू जो दिया हुआ है 78, आप ये मत पूछिएगा सर इसके बदले कैश मिलेगा। अरे हम सरेंडर थोड़ी कर रहे हैं, वो सरेंडर वैल्यू इसलिए बताया है ताकि रेशियो के बदलने से जो प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स को होने वाला है, किसी को फायदा हो जाएगा रेशियो बदलने से, किसी को नुकसान हो जाएगा। तो हम बोल रहे हैं जो भी फायदा नुकसान होगा वो गुडविल और भविष्य में क्या आने वाला है, गुडविल और क्या होने वाला है। हम बोल रहे हैं सर सरेंडर वैल्यू में जो पॉलिसी, वो पॉलिसी का पैसा मिलेगा तो उसमें जो लॉस प्रॉफिट होगा वो हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट करा देंगे। ऐसा करने से आगे चल के कोई भी लॉस नहीं होता है पार्टनर को। बात समझते हैं मेरा? चलिए सुनिएगा बात, वर्किंग करेंगे हम लोग। पहला वर्किंग क्या? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैसे निकालना है? बोले सर एवरेज प्रॉफिट लेना है 5 सालों का, सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। हम बोले हां, प्रॉफिट में क्या कंडीशन है? प्रॉफिट में कंडीशन है कि प्रॉफिट बिफोर इंश्योरेंस प्रीमियम होना चाहिए। हम बोले सर एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लो, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट सबसे बेहतर। कितना साल दिया हुआ है? 5 साल, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। हम बोले सर 1, 2, 3, 4, 5 इन सभी सालों का क्या दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है पहला साल का 14,000, दूसरे साल का है 17,000, तीसरे साल का है 20,000, चौथे साल का है 22,000 और पांचवें साल का है 27,000। यह है 5 साल का नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है? सर नेट प्रॉफिट का मतलब होता है जिसमें सारे खर्चे घट चुके हैं। जब भी क्वेश्चन बोला है इंश्योरेंस प्रीमियम घटने से पहले का प्रॉफिट, तो ऑफकोर्स इस नेट प्रॉफिट में तो इंश्योरेंस प्रीमियम घट चुका है, हमको बिफोर करना है तो हम प्लस कर दी। इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का इंश्योरेंस प्रीमियम है? 10,000, तो सब में 10,000 जोड़ देंगे। ये निकल गया हम लोग का एडजस्टेड प्रॉफिट जो काम का है 24,000, 27,000, 30,000, 32,000, 37,000। अब यहां पे लिख दो 24,000 प्लस 27,000 प्लस 30,000 प्लस 32,000 प्लस 37,000 डिवाइड कर दो 5 से,
सबको जोड़कर डिवाइड करेंगे कितना आएगा 30,000। नंबर टू गुडविल निकाल लो। गुडविल कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट 30,000 इनटू 3,90,000। एक काम खत्म। सेकेंड काम कैलकुलेशन ऑफ, सेकेंड काम क्या करना है हम लोग को, कैलकुलेशन ऑफ गेन सैक्रिफाइस। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है एबीसी का कितना 8:5:3 और न्यू रेशियो भी दिया हुआ है एबीसी का 5:6:5। क्या हम लोग गेन सैक्रिफाइस निकाल सकते हैं? जी। क्या फॉर्मूला सैक्रिफाइस का, ओल्ड माइनस न्यू। ए का ओल्ड रेशियो 8:16, न्यू रेशियो 5:16। ए को सैक्रिफाइस हुआ है 3:16 का। बी को ओल्ड रेशियो 5:16, न्यू रेशियो 6:16, 1:16 का गेन हुआ है। और सी को ओल्ड रेशियो 3:16, 5:16, -2:16, इसको भी गेन हुआ है। तो बोले हाँ। तो जिस पार्टनर को गेन होगा उस पार्टनर को डेबिट करेंगे, तो सर बी को डेबिट कर दो, सी को भी डेबिट कर दो, टू ए कैपिटल। अब गुडविल का पैसा 90,000 और सरेंडर वैल्यू जो है 78,000, दोनों का पैसा इस गेन सैक्रिफाइस में ए और बी और सी में एडजस्ट करा देंगे। ऐसा करने से रेशियो बदलने के बावजूद जो नए, जो आगे चल करके हिस्सेदारी होगा उसमें पुराने समय का कोई नुकसान किसी पार्टनर को नहीं होगा। आप बात समझो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम बोल रहे हैं हम इस पॉइंट पे खड़े हैं 1/1/2019, इसके पीछे के समय में रेशियो कितना था 8:5:3, आगे चल के रेशियो कितना हो गया। तो बैलेंस शीट में जो चीज पड़ा हुआ था पुराने रेशियो में उसका आगे चल के डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो जाएगा न्यू रेशियो में 5:6:5। तो हम बोल रहे हैं क्यों ना ऐसा कोई तरीका निकाला जाए कि आगे चल के भी जब पुराना चीजों को बांटा जाएगा तो हम पुराने पार्टनर्स को पुराने समय का कोई नुकसान नहीं हो। तो हम बोल रहे हैं गेन सैक्रिफाइस इसका इलाज है। जिस पार्टनर को जितना गेन होगा उसको उतना पैसा देना पड़ेगा और जिस पार्टनर को जितना सैक्रिफाइस होगा उस पार्टनर को उतना पैसा मिल जाएगा। आगे चल करके जब 5:6:5 में बटेगा भी तो जो पीछे का चीज है मतलब गुडविल जो इस समय कमाया गया होगा, जो सरेंडर, जो आपका ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है, वो पैसा, उन दोनों पैसा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ए को। हाँ, इसके बाद जो कमाएंगे उसमें कितना हिस्सेदारी चल रहा होगा, लेकिन इसके पहले वाले में हिस्सेदारी क्या चल रहा होगा, हम बोले 8:5:3 का। बात ठीक। जैसे बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व वो कैसे बटेगा, 8:5:3 में बटेगा। चलिए, तो ये हुआ हम लोग का बात खत्म कि सर 3:16 क्रेडिट है तो ए को क्रेडिट कर देंगे, बी और सी को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कितने पैसे से, हम बोले सर 90,000 + 78,000, दोनों पैसा जोड़ करके इस शेयर में बांटेंगे तो किसी को फायदा नुकसान नहीं होगा। आओ अब करना है एंट्री। सबसे पहले एंट्री हम लोग किसका करते हैं, बैलेंस शीट के आइटम का, कि बैलेंस शीट में कोई आइटम है ऐसा जिसका एंट्री करना है हम लोगों को। चलो सबसे पहले सर जनरल रिजर्व है तो बांट दो, पहला एंट्री क्या एंट्री करेंगे, जनरल रिजर्व डेबिट एंट्री करना तो जानते हैं हम लोग, टू ए टू बी टू सी कैपिटल, बी जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में। क्यों ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये जब कमाया गया था तब रेशियो ओल्ड था, इन 8:5:3 8:5:3 के रेशियो में कितना रुपया है 80,000। तो 80,000 रुपया बांटना है 40,000 ए को, 25,000 बी को,
15,000 एक एंट्री हो गया। क्या बैलेंस शीट में और कोई आइटम है जो बांटेंगे? हम बोले नहीं। अब नीचे बढ़ते हैं, फिक्स एसेट्स का रीवैल्यूएशन हुआ, एंट्री बोलो, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट। टू, रीवैल्यूएशन, कितना का रीवैल्यूएशन है? 51,000 का, बीइंग फिक्स एसेट्स रीवैल्यूड अपवर्ड। तीसरा बोल रहा है प्रोविजन बनाना है डेटर के ऊपर 5% का, एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। टू, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना बनाना है? 5%, तो 3,000। चौथा एंट्री बोल रहा है स्टॉक घट जाएगा, बी प्रोविजन क्रिएटेड। फिर स्टॉक का वैल्यू बोल रहा है हो जाएगा 1,12,000, पहले कितना था? 1,20,000, तो स्टॉक घट गया, रिवैल्युएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। कितना रुपए से? 8,000। बी स्टॉक रीवैल्यू डाउनवर्ड। फिफ्थ नंबर, रीवैल्युएशन से रिलेटेड कोई बात तो है नहीं, गुडविल वाला बात है और प्रीमियम जो सरेंडर वैल्यू उसका बात है। हम फिर से याद दिला रहे हैं, सरेंडर वैल्यू जो दिया हुआ है उसका मतलब ये नहीं कि आप सरेंडर करके पैसा ले रहे हैं, वो आपको बताया है जिस दिन रेशियो बदल रहे उस दिन का सरेंडर वैल्यू कितना है, 78। हम लोग को क्या करना है? हम बोले सर एडजस्ट करना होता है। कैसे करेंगे? हम बोले जो पार्टनर गेन किया उसको डेबिट, तो बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल भी डेबिट, टू ए कैपिटल। कैसे करेंगे? हम बोले बहुत सिंपल, ए का सेक्रीफाइस कितना है? 3/16। और क्या क्या एडजस्ट करना है? गुडविल का 90,000, हम बोले ठीक, और सरेंडर वैल्यू का 78,000, दोनों को जोड़े कितना आएगा? 1,68,000। तो 1,68,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 16, ए में जाएगा। बी का कितना था गेन? 1/16, तो सर 1,68,000 का 1/16 10,500, अगर हम गलत नहीं है तो। बी का कितना था? 2/16 गेन 21,000। तो ये हुआ हम लोग का गुडविल और जो इंश्योरेंस प्रीमियम का सरेंडर वैल्यू है उसका एंट्री। छठा एंट्री क्या होगा? हम बोले सर सिक्स्थ एंट्री होगा जो हम लोग का रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट लॉस हुआ है उसका एंट्री। हम बोले आओ यहां लिखते हैं, यहां तो दिखेगा नहीं, रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट है कि लॉस? हम बोले चेक करो, रीवैल्यूएशन क्रेडिट है 51 से और डेबिट है 11 से, तो 40,000 का प्रॉफिट है, दे दो पार्टनर को। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। 40,000 रुपया का प्रॉफिट है, ओल्ड रेशियो 8/5 और कितना है 3, तो 20, तो 8/5 3 5, ये तो होगा 20,000, 12,500, 7,500। तो ये हम लोग का क्या निकल गया?
एंट्री का बात खत्म की, बींग रिवैल्युएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, बींग रिवैल्युएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। अगर आपका ये चैप्टर याद नहीं है ट्वेल्थ वाला, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का डिटेल में क्लासेस बनाए हुए हैं, वहां जाके आप पढ़ सकते हैं। उससे आपका ये बात बहुत क्लियर हो जाएगा कि क्यों नहीं हम लोग इसको कुछ कर रहे हैं, इस तरह से क्यों बांट रहे हैं। हम बोले हाँ, अब बनाने बोला है क्वेश्चन बैलेंस शीट, और कोई एंट्री होगा? हम बोले नहीं, अब कोई एंट्री नहीं होगा, बैलेंस शीट बनाना है। आओ बैलेंस शीट बनाए। क्या हम लोग एंट्री देख करके बैलेंस शीट बना पाएंगे? हम बोले बिल्कुल बना पाएंगे, एंट्री देख के एकदम सीखे हैं बैलेंस शीट। चलो पूछे, सबसे पहले एसेट्स, कैश 40,000, क्या एंट्री में कहीं कैश है? नहीं, तो कैश में कोई बदलाव नहीं आएगा, कैश 40,000। अगला आइटम बिल्स रिसीवेबल, क्या कहीं पे बिल्स रिसीवेबल है? नहीं, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। अगला नाम डेटर, क्या डेटर का नाम कहीं है? हम बोले सर प्रोविजन है, तो वो प्रोविजन घटा देंगे, माइनस रिवैल्युएशन 3,057। नेक्स्ट स्टॉक 1,20,000, क्या स्टॉक कहीं क्रेडिट है? हम बोले हाँ, तो माइनस कर दीजिए 8,000 कि सर रिवैल्युएशन हुआ था। अगला नाम फिक्स एसेट्स, कितने का है? 2,80,000। फिक्स एसेट्स डेबिट हुआ है एंट्री में, तो प्लस कर दीजिए रिवैल्युएशन, कितने रुपए से? 51,000, तो 3,31,000। तो एंट्री देख के हम लोग एसेट साइड तो पूरा लिख लिए। अब आते हैं लाइबिलिटी साइड में, क्रेडिटर कितना रुपया है? 1,50,000, क्या यहां कहीं भी क्रेडिटर है? नहीं, तो वो वैसे ही रह गया। जनरल रिजर्व, सर डेबिट कर चुके तो जनरल रिजर्व खत्म। पार्टनर का लोन, पार्टनर का लोन ए का बी का, कहीं पे नाम नहीं है एंट्री में तो ऐसे ही बाहर लिख दो 40,30। कैपिटल, कैपिटल अकाउंट ए का बी का सी का, ध्यान देना कैपिटल का नाम तो बहुत बार है, हम लोग जानते हैं कैपिटल लाइबिलिटी है, जितना बार क्रेडिट होगा जोड़ देंगे, जितना बार डेबिट होगा घटा देंगे। जैसे ए का कैपिटल है 1,00,000, हम बोले हाँ, फिर क्रेडिट हुआ ए 40, बस ए देखना, तो सर 1,00,000 का कैपिटल क्रेडिट है, 40 और क्रेडिट 1,40,000, उसके बाद 31,000 और, तो 1,71,500, हम बोले हाँ, और 20,000 और, तो 1,71,000 में 20 और जोड़ दिए तो 1,91,500। बात समझ रहे? वैसे ही बी का बैलेंस शीट में है 80, हम बोले सर 25 और जोड़ दीजिए तो 80 और 25 1,05,000, 1,05,000 में 10,500 माइनस कर देंगे और 12,500 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1,07,000। उसी तरह सी का 70,000 है बैलेंस शीट में प्लस 15, 70 और 15 85 माइनस कर देंगे 21 प्लस कर देंगे 7,500 तो 85 में 21 गया कितना बचा 64 में ये प्लस कर देंगे तो 71,500 खत्म हो गया कैपिटल अकाउंट भी। अब जोड़ के बाहर करके बस जोड़ना है हम लोग और देखना है दोनों साइड बराबर होंगे। यहां तक लिखो, आइए कितना आएगा जोड़ के 5,90,000। कैपिटल जोड़ के 3,70,000 और टोटल कितना आया बैलेंस शीट 5,90,000। लिखिए, यही था क्वेश्चन जो ना एडमिशन से है, जो ना रिटायरमेंट से है, ना ही डेथ से है। ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो क्लास 12th का था। क्या ये भी सिलेबस का पार्ट है? 100% पार्टनरशिप है तो सिलेबस का पार्ट तो होगा ही होगा आपका। लिखिए।